वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। नड़ाबेट बॉर्डर हम लोग आज सुबह से निकले हैं। नड़ाबेट बॉर्डर अहमदाबाद से 245 किलोमीटर है। आज हम सुबह 5:30 को निकले हैं और आज 7:30 हम यहाँ पे रुके हैं। नड़ाबेट जाने का सबसे बेस्ट रास्ता मेहसाणा चाणसमा राधनपुर और सुई गांव से होता है। अभी जो जगह हम रुके हैं वो चाणसमा का साई मंदिर है। नड़ाबेट जाने के समय पेट्रोल डीजल और खाना आप राधनपुर से ही ले लीजिए, और राधनपुर क्योंकि वो आखिरी स्टैंड है, आगे 80 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं और बॉर्डर के हमारे जो BSF के जवान हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं और पूरा दिन वहाँ बिताते हैं। लेट्स गो। सीमा दर्शन प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें देखने लायक है, जैसे कि वेपन डिस्प्ले, फोटो गैलरी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और रिट्रीट सेरेमनी। यहाँ नड़ेश्वरी माता का टेम्पल है। हम लोग यहाँ से 0 पॉइंट पे जा सकते हैं, जो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। सर आप कौन से स्टेट से हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट है। आप यहाँ पे जो BSF में काम करते हैं सीमा दर्शन प्रोग्राम में, तो लोग आते हैं गुजरात के, तो आपको कैसा लगता है? देखिए कि गुजरात के लोगों का वैसे भी प्रेम बहुत ही माना जाता है कि पूरे देश में ही गुजरात का प्रेम अलग ही है, और यहाँ पर लोग आते हैं हम लोगों के साथ में, यहाँ पे वेपन डिस्प्ले हो, परेड हो, सभी इवेंट्स में वो भाग लेते हैं और उससे हमें बहुत ही अच्छा गर्व फील होता है। हमें ये लगता है कि देश के किसी कोने में एक अलग से प्रेम बसता है, तो वह है गुजरात में। और शाम को जो रिट्रीट सेरेमनी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। वाघा बॉर्डर के बाद सबसे बेस्ट रिट्रीट सेरेमनी नड़ाबेट में होती है। बस जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूं। यहां की मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। अभी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो इस देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। कदमों का शानदार मेल, बढ़िया समन्वय।
जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तू थक के न बैठ, तू उड़ान अभी बाकी है। सीमा सुरक्षा बल को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है। अपने 53 वर्ष के गौरवशाली सफर में विभिन्न अवसरों पर इस बल ने देश की एकता व अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1971 के भारत पाक युद्ध में इस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब वक्त हो चला है परेड को आगे बढ़ाने का। कदमों का संदार मेल, बढ़िया समन्वय, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। आज के परेड ऑफिसर श्री श्रीजीत, असिस्टेंट कमांडेंट मुख्य द्वार पर। आप सभी दर्शकों से यह निवेदन है कि जब राष्ट्र ध्वज को उतारा जाए तो कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र ध्वज को सम्मान प्रदान करें। दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमने यहाँ बहुत सारे वेपन्स देखे, सिपाहियों से मिले, यहाँ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी और इधर की परेड तो ऐसे बहुत अच्छी है कि आज हमको बहुत गर्व महसूस होता है। और इसके साथ हम लोग कह सकते हैं बस कि भारत माता की जय।